हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप बहुत टाइम से कह रहे थे कि सर बीकॉम की क्लासेस भी आप पढ़ा दीजिए, बीकॉम की क्लासेस के लिए भी कुछ क्लासेस लॉन्च कर दीजिए, बट मैं अभी तक लॉन्च नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि जो क्वालिटी आपको मिलनी चाहिए वो मैं दे पाऊंगा। बट अब आपके लिए वो कोर्सेज, सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो सबसे पहली प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है ऑनलाइन क्लासेज में, जब हम बीकॉम की बात करते हैं, बीकॉम की क्लासेस तो बहुत हैं बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि या तो वो क्वालिटी वाली नहीं होती है, मतलब आई वुड नॉट से इन द नेगेटिव वे, बट स्टिल थोड़ा सा स्टूडेंट कहते हैं कि टीचर्स को, मतलब जो पढ़ा पा रहे हैं वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। या फिर एक प्रॉब्लम ये आती है कि वीडियोज तो हैं, लेक्चर्स हैं, परचेज भी कर लेते हैं, बट उनके अंदर ना कंटेंट नहीं होता, बस कंसेप्ट हो गया बात खत्म, या एक दो क्वेश्चंस करा दिए बात खत्म, मतलब कंसेप्ट भी बस ब्रीफ ब्रीफ में हुआ, 5 लेक्चर में एक चैप्टर फिनिश हुआ, बात खत्म। ऐसे क्लासेस हैं। तो वो क्लासेस सस्ती हैं, अवेलेबल हैं, सब कुछ है, बट वहाँ पे वो क्वालिटी नहीं है। इस सब प्रॉब्लम को ना मैंने आपके लिए रिजॉल्व करा। देखिए, जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं उनको भी पता है क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है, मतलब कंटेंट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ परफेक्ट ही रहना है उसमें, मतलब जितना एक्स्ट्रा ही मैं एक्सप्लेन करके चलूंगा कुछ कम नहीं होगा। दूसरी चीज, डाउट है अगर ऐसा तो आप डेमो वगैरह देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में चीज़ें मिल जाएंगी आपको बिलो यहाँ पे, सो देख लेना, डेमो वगैरह आपको मिल जाएंगे तो एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे है क्या है, तो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपको यहाँ पे बात बतानी है, ये क्लासेस ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, यूनिक होने वाली है। यहाँ पे पता है क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीकॉम में, यही आती है कि वहाँ पे ना इतना मतलब क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सो इसलिए मैंने उसका एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन आपके लिए किया। प्रॉब्लम होती है बेस ध्यान नहीं होता है, बीकॉम से आते आते वो 11th 12th तो भूल ही चुके होते हैं, या फिर थोड़ा बहुत याद होता है तो वो उतनी बात नहीं आती। सो मैंने ना आपको जो 11th के टॉपिक्स थे ना, 11th की ही वीडियोस दे दी उसमें। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, कंसेप्ट मतलब बिल्कुल उसी लेवल से, 11th लेवल से, अगर आप साइंस स्ट्रीम से भी आए हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होनेगी, बिल्कुल उसी लेवल से, प्लस इतने सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, उसके बाद क्लास 12th का जो कंटेंट था उसमें भी मैंने ऐसे किया है, क्लास 12th की वीडियोज आपको दे दी। डेफिनेटली ऐसा नहीं कि सारी की सारी वीडियोज दे दी जो उसमें रेलेवेंट है आपके लिए, वो ठीक है, जो कंटेंट रेलेवेंट है उसमें, कहीं मुझे लगा कि कुछ एडिशन करना है मैंने उसमें स्पेशली आपके लिए वीडियोज भी रिकॉर्ड करी है, और कहीं मुझे ऐसा लगा कि कोई डिलीट करना है तो मैंने उसमें से डिलीट भी किया, मतलब बना आपके लिए वो कोर्स। ये जो कोर्स है ना, मतलब इसमें 11th का कंटेंट भी 12th का भी, सबसे अच्छी चीज़ हुई बिल्कुल जीरो से, मतलब अदरवाइज क्या होता है कि जब हम बीकॉम को पढ़ा रहे होते हैं तो माइंड में रहता है भाई बीकॉम का पढ़ा रहे हैं उसी लेवल का पढ़ाओ, क्योंकि सिलेबस है उसको मैनेज भी करना है, टाइम भी मैनेज करना है, सब कुछ करना है, तो वो सब एक माइंड पर प्रेशर रहता है। सो वो प्रेशर यहाँ पे आपके ना मेरे माइंड में ना आपके माइंड में कोई दिक्कत है। उसके अलावा जो हमारे लॉ वगैरह के सब्जेक्ट होते हैं ना, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं आप, उसमें मैंने आपको CA का कंटेंट दिया। अब जब CA का कंटेंट है, मतलब आप समझ सकते हो कितना लेवल का होगा। सो अब ये मत सोचने लगना कि सर ये तो मतलब आपने गड़बड़ कर दिया, इसमें ना चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी हमारे लिए, नहीं, डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल जो भी कंटेंट है ना उसमें कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि हाई लेवल पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जा रहा, नहीं, लेवल आपके रहेगा, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकता है, और बिल्कुल जीरो से पढ़ा है, मतलब जो आपको नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है ना वो सारी चीज़ें कवर कराएगी आपको, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ का मिल जाता है। फिर अब बात आती है कि सर ये बीकॉम ना कौन सी यूनिवर्सिटी से है, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी का कंटेंट है ये। देखो बहुत सही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे माइंड में रहता है कि सर मतलब ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी उसका सिलेबस इसका सिलेबस, सबका सिलेबस सेम ही है, ठीक है, बहुत माइनर माइनर फर्क होता है, ऑलमोस्ट सेम है सिलेबस, से एक बार मैच कर लेना आप अगर ऐसा लगता है, मतलब जो भी सिलेबस वगैरह है ना उसको एक बार चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ से आप देख लेना, तो मैच कर लेना, आपको मैच हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो सिलेबस कॉमन होता है, वही सिलेबस आपको दिया है इसमें, कहीं पे जैसे लॉ में है उसमें एक दो पॉइंट चैप्टर कवर नहीं है, वो ओवर द टाइम कवर हो जाएंगे, अगर जब ये वीडियो देख रहे हो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे नहीं थे, मे बी जब आप देखो तब तक ये कवर हो चुके होंगे, क्लियर है। इसके बाद सबसे ज़्यादा स्पेशल बात पता है क्या, इनकम टैक्स और GST का, उसमें तो मैंने आपको डबल बेनिफिट दे दिया। डबल बेनिफिट ऐसा, वो ना सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया आपका, मतलब जो कोर्स है ना इनकम टैक्स और GST का, वो आपके सिलेबस से परफेक्ट है, ठीक है, सिलेबस का ही पार्ट है, वही सब चीज़ें उसमें कवर करी है। उसमें आपको इनकम टैक्स की प्रैक्टिकल नॉलेज दी है, GST की बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज दी है मैंने। अब उससे क्या हो गया, प्रैक्टिकल नॉलेज के कारण ना आपको जो मेरा GST सर्टिफिकेशन कोर्स रहता है ना एडवांस वाला, वो सेपरेट लेने की जरूरत नहीं है, मतलब दो काम एक ही फीस में हो रहे हैं, ठीक है। सो एक ही फीस में आपको दो काम हो गए, बीकॉम की भी पढ़ाई होगी, सर्टिफिकेशन कोर्स भी मिल गया डबल। अब माइंड में आएगा सर फीस बहुत ज़्यादा रखी होगी फिर आपने, नहीं, फीस बहुत नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल, बहुत ज़्यादा नॉमिनल, डिटेल चेक करो, बहुत नॉमिनल फीस है, मतलब आई डोंट थिंक कि इतनी, पहले तो मुझे नहीं लगता है बीकॉम को CA बहुत फैकल्टीज़ ऐसे हैं जो ज़्यादा फैकल्टीज़ नहीं है जो बीकॉम को पढ़ा रहे हैं CA फैकल्टीज़,
और इस फीस में तो डेफिनेटली नहीं होंगे। सो मेरी कोशिश है मिनिमम जितनी फीस रख सकता हूँ उतना आपको यहाँ पे मिलेगा। अब बात आती है कि सर 100% कवरेज है क्या? मैं क्लियर नहीं कहूँगा, मे बी नॉट, मे बी येस, डिपेंड करता है। अगर 100% कवरेज नहीं भी है ना, टेंशन नहीं लेना आपको। वैसे जो आप बाकी क्लासेस ले रहे थे उसमें मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ मैंने कवर करा है। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर जो पॉइंट चैप्टर छूटा भी होगा ना, कोई पॉइंट छूटा भी होगा, बहुत बेसिक पॉइंट होगा, मतलब अगर कोई एक आधा रह भी होगा, वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है सब कुछ आपका कवर हो जाए, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के कारण स्लाइटली डिफरेंस आ जाता है, तो वो डिफरेंस अगर कोई आ भी रहा है ना, उसको तो सेल्फ स्टडी करोगे वो भी हो जाएगा। क्यों, जब 90% आप पढ़ चुके होंगे तो 10% में क्या रह जाएगा? ठीक, बहुत अच्छे से कर सकोगे। और फिर भी मैं कहूँगा परचेज करने से पहले एक बार सिलेबस अपना मैच कर लेना, क्योंकि उसके बाद आपने परचेज कर लिया, आई विल नॉट बी हेल्पिंग, मतलब एबल नहीं हो पाऊंगा हेल्प करने के लिए आपको कि सर ये वाला लेक्चर रिकॉर्ड कर दो, ये वाला, उसकी मैं श्योरिटी नहीं ले पाऊंगा। तो आप देखना, और सिंपल सी बात है, इतने जितना ही कोर्स है ना आपको मिल रहा है इस फीस में, इतना कर लेंगे डेफिनेटली नंबर तो बहुत अच्छे आ जाने हैं, चाहे सिलेबस की आप जैसा भी रहेगा। कवरेज पूरी है, सब कुछ पूरा, वैसे बेफिक्र हो, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो बींग एक सही टीचर वही है जो आपको सारी बात क्लियर देगा। सो मेरी कोशिश वही है कि कुछ छुपाया ना जाए, ऐसा नहीं गोल मोल करके कि हाँ भाई पढ़ लो फिर बाद में कोई दिक्कत है। ओपनली कह रहा हूँ क्या अच्छा है वो भी मैंने बताया, कहाँ का कंटेंट है कैसा है वो भी मैंने बताया, उसके फायदे भी बताए मैंने, और सिलेबस वगैरह भी बताया। नाउ यू आर फ्री। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर एक बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, अब हेल्प हमें बहुत मिल रही है, 11, 12 भी हमारा रिवाइज हो जाएगा, पूरा इन डेप्थ रिवाइज हो जाएगा स्टार्टिंग से बेस से, सीए का भी काफी कंटेंट उस लेवल की हमें स्टडी हो जाएगी, बीकॉम तो हमें मिल ही रहा है, सर्टिफिकेशन की भी तैयारी हो जाएगी, सब कुछ तो मिल रहा है हमें। तो अगर ऐसे आपके माइंड में आ रहा है तो डेफिनेटली कोर्स को परचेज करिए, अदरवाइज आप डेमो वगैरह देखिए जैसा भी आपको सही लगे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो हेल्प डेस्क पर हमसे पूछिए, हम डेफिनेटली उसकी आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, बीकॉम में बहुत अच्छे नंबर लेके आने।